मैं बिशप अमरदीप और प्रदेश का संयोजक भारतीय सही मंच का। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कुछ क्रिश्चियन लोगों की ओर से कुछ मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूं उसका कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत की जो है, उसने आदेश दिया कि यहां वो राम मंदिर बनेगा और उसके उद्देश्य से बन रहा है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयास किए, लेकिन इस हफ्ते में कुछ क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कुछ मैसेज ऐसे शेयर कर रहे हैं जिससे आप लोगों को भी सावधान होना है। पता नहीं कौन है ये, लेकिन ये मैसेज ये शेयर कर रहे हैं कि 22 जनवरी 1999 को क्या हुआ था। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे ग्राम स्टेंस, और उनका एक बेटा था फिलिप, 9 वर्ष का था, और एक बेटा था तमोथी, वो 7 वर्ष का था। तो इनको 22 जनवरी के दिन ही इनकी गाड़ी में ही जिंदा जला दिया गया था और उसका आरोप लगा था ये कुछ हिंदू संगठनों पर आरोप लगा था, क्योंकि वहां वो कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे जैसे हिंदू संगठन नारे लगाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कुछ क्रिश्चियन लोगों के जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो कल 22 जनवरी है और 22 जनवरी को वो घटना हुई थी और अब 22 जनवरी को ये उद्घाटन कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उस घटना को लेकर ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे कि उस दिन एक पास्टर को और उनके बच्चों को जिंदा जलाया था, इस कारण से ये रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। आप तो जानते ही हो कि हिंदू धर्म में कैसे मुहूर्त निकाले जाते हैं और मुहूर्त के अनुसार वो काम करते हैं। तो उनका उस दिन का मुहूर्त निकला, एक घंटा, मिनट, सेकंड, सब कुछ उनको दर्ज है भी इतने समय पे वो करना है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहां मंदिर बन रहा है, हमें उसमें क्या आपत्ति है? किसी भी क्रिश्चियन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मंदिर है, टेंपल है, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था और यरूशलम में है, और उसका लंबे समय से केस चल रहा है, उसके ऊपर भी किसी का कब्जा है और लंबे समय से केस चल रहा है। वो कहते हैं हमारा है और हम कहते हैं हमारा है, और जिस दिन उसका फैसला आएगा तो पूरी दुनिया उस दिन भी जश्न मनाएगी, क्योंकि परमेश्वर का भवन उस दिन वहां बनना शुरू होगा और उसकी तैयारियां तो कब से चल रही हैं। मैं तो कई बार वहां गया हूं। सो परमेश्वर के लोगों, हम क्रिश्चियनों का इसमें कोई भी रोल नहीं है। वो अपनी खुशियां मनाएं, वो अपने जकारे लगाएं, वो अपना मंदिर बनाएं। भारत देश में कितने ही मंदिर हैं, और वो अगर वहां बन रहा है तो इसका जिस दिन पास्टर और उनके छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया था, इससे कोई संबंध नहीं है। और वो तो हमेशा नारे लगाते हैं, अपने नारे लगाएं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं और वो अपनी जय जयकार करते हैं। तो इसीलिए कोई भी भ्रामक आपके पास मैसेज आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, संदेश आए, आपको और ध्यान नहीं देना। हमें दुख है कि यह घटना उड़ीसा में हुई थी,
जब ग्राम स्टैंस और उनके बेटों को जिंदा जला दिया था। दुख है, आज भी हमें दुख है इस बात का, और आज भी हम दुख प्रकट करते हैं, और जिन्होंने उसे जलाया था आज भी उनकी हम निंदा करते हैं कि ऐसी घटना कभी भी दोबारा उसके बाद कभी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चर्च कभी नहीं जलाई जानी चाहिए, कभी भी परमेश्वर के दास लोगों को ऐसा जैसी हरकत हुई थी, जिंदा जलाया गया था, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन बातों को लेकर जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो अपना जय जयकार करें, जैसे भी चाहे वो करें, वो खुश रहें, हम अपने प्रभु में खुश हैं। तो आपसी भाईचारे को हमें बनाकर रखना है। आपसी वैर की बातें, विरोध की बातें, लड़ाई की बातें, झगड़े की बातें दो धर्मों में करना ये उचित नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई भी संदेश आपके पास आए तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे।